सब सोने लग रहे हैं, हम निकलते हैं अभी। तो टाइम हो गया है 5:30 और मैं निकलता हूँ फिर जो खुसरो पार्क है उसके लिए। मिलते हैं नीचे। थोड़ी सी चाय रह गई है फिर चलते हैं। और ये स्टेशन के बाहर का सीन, निकलते हैं इधर ही साइड में घूमने। तो दोस्तों ये है खुसरो बाग और ये पड़ेगा आपको स्टेशन के पास। और चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। जब मैं आ रहा था ऑटो से तो मैंने देखा था जब ये इसको, अब देखते हैं मीटर अंधेरा हो। तो दोस्तों मैं हूँ अभी खुसरो बाग में और अंधेरा हो रहा है तो इस वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं देगा। तो अभी बहुत लंबा चौड़ा बाग है तो इसको घूमते हैं फिर आपको दिखाता हूँ जो अच्छी चीज़ मिलती है। तो है ये है खुसरो बाग की हिस्ट्री, मैंने तो पढ़ ली है, आप पढ़ना चाहें तो मैं जूम करके देख लेना। और ये यहाँ का पूरा मैप, तो बीबी तमोलन का मकबरा, शाह बेगम का मकबरा और निसार बेगम का और सुल्तान अमीर खुसरो। और शानदार पार्क बना हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा दिन निकलने लग गया है तो चलते हैं इसके भीतर, चलते हैं अंदर। हाँ भाई, ये है बीवी तमोलन का मकबरा, तमोलन। अच्छा लग रहा है तो चलते हैं भीतर देखते हैं। तो दूसरा मकबरा सामने है वहाँ चलते हैं। और ये वाला तो अंदर से बंद है, बीवी तमोलन का मकबरा। और बहुत शानदार पार्क है, बड़ा पार्क है। चलते हैं आगे अपने पैरों से, मिलते हैं दूसरे मकबरे पे। तो ये है शाह बेगम का मकबरा और इस पर किसी ने ऊपर निशान बना दिए हैं फालतू में। तो इसकी हिस्ट्री पूरी। और ये है शाह बेगम का मकबरा। तो चलते हैं, एक मकबरा आगे भी है, एक ये दूसरा। बहुत अच्छा पार्क लग रहा है तो चलते हैं घूमते हैं। ये इंग्लिश में हिस्ट्री लिखी हुई है। तो ये है दूसरा तीसरा मकबरा और ये वाला तो कवर हो गया, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा मकबरा है तो चलते हैं। वो क्या चीज़ है, तो ये है निसार बेगम का मकबरा और ये इस पर पूरा लिखा हुआ हिस्ट्री। ऊपर चलते हैं फिर। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... तो खुसरो बाग का एक सुंदर और नजारा आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो आते ना, तो उन्होंने अपना नाम लिख रखा है। ये सब जगह हैं एक जैसे आसिक, जो अपना नाम लिख जाते हैं दीवारों पे। अपने आप ही हैं, पूरे ऑल इंडिया में भरे पड़े हैं। पूछो कुछ छोटू, गुलिया, संडे, बाबा, ले, बिट्टू। तो ये है खुसरो का मकबरा। खुसरो जहांगीर और शाह बेगम का बेटा था। तो ये इसकी पूरी जीवनी और वो इसकी रानियों का टॉम और ये खुसरो का मकबरा। तो चलते हैं इसमें भी।
और कुछ शानदार नज़ारा बाहर का आप देख सकते हो। बहुत लंबा चौड़ा पार्क है और बहुत अच्छी इमारतें। तो हमने घूम लिए खुसरो का मकबरा और उसकी तीनों बीवियों का मकबरा, तो बहुत शानदार बने हुए थे। तो अभी बाहर निकलते हैं और फिर चलते हैं दूसरी जगह। अभी और आगे देखते हैं क्या चीज़ है। तो लोकेशन तो अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी जगह है। और मैं आ गया था जग के सीधा यहीं, क्योंकि मुझे कल रात में मैंने देख लिया था ऑटो में से उतरते हुए, तो दिख गया था खुसरो बाग और दीवारें ऊंची ऊंची। तो मैंने चलो आज सुबह मॉर्निंग वॉक खुसरो बाग में करते हैं। और अच्छा भी लग रहा है, देखो क्या शानदार है। उधर की साइड में मकबरे थे 3-4 और इधर लोकेशन देखो ऐसी है कुछ। तो हमने घूम लिया पूरा खुसरो बाग, बहुत अच्छा शानदार लगा। अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।